डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग एमडी इन एक्यूपंचर हर वेडनेसडे गुलबर्गा विजिट कर कई ऐसे मरीजों का इलाज कर रहे हैं जिनको डॉक्टर्स ने ऑपरेशन करवाने की सलाह दी थी। इलाज करने का दावा तो बहुत से डॉक्टर्स करते हैं, पर अल्लाह ने कुछ खास डॉक्टर्स के हाथों में शिफा रखी है जिनके जरिए कई मरीजों को बीमारियों से छुटकारा मिल रहा है। हैदराबाद से डॉक्टर मिर्जा सलीम बेग गुलबर्गा हागरगर रोड सभा फंक्शन हॉल के अपोजिट हज सागर बेकरी के करीब मौजूद अल फुरखान क्लिनिक को हर वेडनेसडे विजिट कर रहे हैं। कई चैलेंजेस ट्रीटमेंट्स का सबूत आपको यहां देखने को मिलेगा, जिसमें हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारियों में मुब्तिला मरीजों का बिना ऑपरेशन के ट्रीटमेंट किया गया है। आपको बता दूं, यहां 2 हफ्तों के लिए फ्री कैंप रखा गया था, जिसमें कई मरीजों ने मुख्तलिफ बीमारियों के लिए इलाज करवाकर फायदा हासिल किया है। अभी अगर आप अगले वेडनेसडे यहां विजिट कर इलाज करवाना चाहते हैं तो एक दिन पहले यहां से टोकन लेना होगा ताकि आपको ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। आप इस वीडियो में ऐसे कई मरीजों को सुन सकते हैं जिनका इलाज एक्यूपंचर के जरिए किया गया है और अभी ये पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रहे हैं। हार्ट, लीवर, लंग्स और किडनी प्रॉब्लम्स के अलावा यहाँ वेट लॉस, थायराइड, डेंगू, मलेरिया, फैटी लीवर, डायबिटीज, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, पाइल्स, आइस प्रॉब्लम, ब्रेन डिसऑर्डर, पीसीओडी, पीसीओएस और कई ऐसे मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज यहाँ किया जा रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें या फिर आप स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डिटेल हासिल कर सकते हैं। माशाल्लाह लास्ट वीक हम लोगों ने यहाँ कैंप ऑर्गेनाइज किए थे, एक्यूपंचर के जरिए ट्रीटमेंट किया था यहाँ पे। माशाल्लाह ये हमारे पेशेंट यूनुस भाई है जिनको लीवर का प्रॉब्लम था। अल्हम्दुलिल्लाह 1 हफ्ता हो गया, अल्लाह की तौफीक से उनके रूट चेक करा, बॉडी को एनालिस करा, अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑब्जर्वेशन करा पूरा, अल्हम्दुलिल्लाह फिजिकली अल्लाह की तौफीक से लीवर का हाई लेवल एक्टिव हो गया माशाल्लाह, और फुल फिजिकली बहुत सारा फ़र्क आया। कि एक्यूपंचर में बहुत कम वक्त में, इसलिए हम लोग खासकर हमारे वीडियोज़ में बार बार हो गए, हार्ट प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, लंग्स प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ये सीवियर डिसीज में सबसे पहले हम लोगों को आके मिले, क्योंकि हम लोग बहुत कम वक्त में रिकवर कर सकते हैं। माशाल्लाह अभी आपको यूनुस भाई बताएंगे कि किस तरह उनको फ़र्क पड़ा। मेरे को लीवर प्रॉब्लम होने की वजह से सांस में तकलीफ हो रही थी, तो मैं डॉक्टर साहब हमारे फैज भाई के थ्रू डॉक्टर साहब का एड्रेस मिला, तो डॉक्टर साहब इधर गुलबर्गा आए हुए थे, तो मैं आके विजिट किया, देखा। देखने के बाद ये मालूम हुआ मेरे को, इमीडिएटली आने के बाद की पंचर जो सुई लगा रहे, लगाने के बाद मेरे को तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बैठे डॉक्टर साहब, गौर करे, देखने के बाद मेरे को खुद को अपने आप को महसूस हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट वीक जब आए थे डॉक्टर साहब, जब से अब तक बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। अब जब चेक कराया मैं रिपोर्ट भी, और मेरे को शुगर का भी प्रॉब्लम्स हुए थे वो भी बताया था डॉक्टर साहब को, 180-200 के करीब मेरे को शुगर अप डाउन हो रही थी। तो आज जो मैं जब चेक करा के आया, डॉक्टर साहब आज आ रहे थे, मालूम था मेरे को, इस वजह से जो है ना चेक कराने के बाद आज नाहरपेट वो जो है ना 90 है मेरा, और खाने के बाद का जो है 130, यानी कि डॉक्टर साहब हम बात किया, मैं बताया तो नॉर्मल जो रहता हूँ ना वो है, तकरीबन 2 साल से अप डाउन हो रही थी मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, अल्लाह का एहसान है, डॉक्टर साहब के हाथ में शिफा है, डॉक्टर साहब जो है ना मेरे को ये नॉर्मल में ला लिए। और रहा सवाल दूसरी बात, ये जो हमारे दोस्त है फयाज भाई, इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम थे गर्दन की वजह से, शायद ही मैं समझता हूँ इतनी तकलीफ में थे उन्होंने, आज अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने भी 16 डेज हो गया, आज राहत महसूस कर रहे, एकदम उठकर फिर रहे, चल रहे, फिर रहे, पहले भी फिरते थे पर तकलीफ ज़्यादा होने की वजह से ज़रा नासाज हो गए थे। अब जो है ना अल्लाह का एहसान है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। मैं तमाम गुलबर्गा की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि एक बार आकर यहाँ पर विजिट करिए, आपकी तकलीफ़ें पूरे दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, पहले अटैक हो गया बॉडी में, हम लास्ट वीक से हम लोग अब ट्रीटमेंट किया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ट्रीटमेंट किए इनको, ये पूरा चेहरा यहाँ पे फीलिंग नहीं आती थी यहाँ पर अच्छी तरह से, और पैरों में भी बहुत स्टिफनेस था, कुछ पट्टी वगैरह बन के भी रखते थे पैर को, बहुत सारा तकलीफ थी। माशाल्लाह एक्यूपंचर करें, अल्लाह की तौफीक से अब वो तकलीफ खत्म होगी। अब ट्रीटमेंट कराया था जी, चलने तो आ रहा, लेकिन अभी तक के पैर में जरा वजन, पैर ऐसा दिख रहा है टायर में जैसे गैटर रहता हूँ। लास्ट ईयर में जैसे एक तो पंचर कर लेके गया, जरा इसमें फर्क है, पैर में फर्क है। आप ये जो लगा है ना इसके जैसे चेहरे में झुंझुन आता था, तरह कम दिख रहा है, नहीं तो ऐसे हाथ पकड़ते थे तो पूरा झूम रहा था, अब नहीं आ रहा, चेहरे में झुंझुनाहट होती थी। ये एक ट्रीटमेंट है, ये अच्छे इस पे इलाज हो रहा है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, कुछ खून खराबा नहीं हो रहा, कुछ ये नहीं हो रहा, छोटी सी बारीक एक चाइनीज स्पिन टाइप है, आप उसका अंदर डालते हैं, उसे 1-2 घंटे मेरे बाजू आजू बैठे सवाले कुछ पूछो, 1-2 घंटे में जो लोगों को ये महसूस हो रहा है रिजल्ट, जहाँ दुखती रख है वहीं उसको दबा रहे हैं डॉक्टर साहब, वो दबाते सहते वो लोगों को आराम मिल रहा है उससे।
इंशाल्लाह मैं बोला ना लास्ट टाइम मेरे को चलने ते खुद मेरे को ना ऐसा दिख रहा था पैर में प्लास्टर है वजन वजन चल के अब ये बार जरा हल्का महसूस हो रहा हूँ इसके लिए मैं ये वो फिर सेकंड वीक आया हूँ इंशाल्लाह ये जून के महीने से था फॉलेज मारा था मेरे को बीपी ज्यादा होके ये हो गया था अब वहाँ एक हॉस्पिटल में एक 5 दिन रहा उसके बाद चिकोड़ी और गुरमिट कॉल की दवा खाया अलहमदुल्ला चलने तो आ रहा है लेकिन वो जो ये लूज नहीं हो रहा था बॉडी फ्री पहले की सर की नहीं हो रही अब यहाँ ऐसा तो जरा फर्क रहेगा इंशाल्लाह पूरा हो जाएंगे मेरे को 3-4-5 साल से जो है बैक पेन का प्रॉब्लम था कंटिन्यू टींचा मारता था कमर में आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार डॉक्टर साहब के पास आया और जब से आया अल्हम्दुलिल्लाह मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे हुआ आके जब से डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट शुरू करे वो कुछ पिन वगैरह लगे है ना तो जब से लगे अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू जो टींचा मारता था वो टींचा मारना कम हुआ अल्हम्दुलिल्लाह लगा ऐसा अल्लाह जजाए खैर दे डॉक्टर साहब को जो वहाँ से आकर यहाँ लोगों की खिदमत कर रहे अल्लाह उनको इसका बेहतरीन बदला अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई जिसको भी जो भी तकलीफ है जैसे खुसूसन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जो है लीवर का हार्ट का जो भी प्रॉब्लम है और एक हमारे भाई साहब के सास हैं उनको भी हार्ट का प्रॉब्लम था अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी वाल ब्लॉक थे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन जो है उनको भी क्योर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह और मेरे को भी आज अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार आया तो इतना अल्हम्दुलिल्लाह सुकून महसूस हुआ नहीं तो कंटिन्यू कमर के अंदर जो है टींचा मारते रहे अब अल्हम्दुलिल्लाह सुकून है 2-2.5 घंटे वहाँ बैठ गए नहीं तो मैं बगैर टेके के बैठ नहीं सकता था जी वो बैक पेन था मेरे को तकरीबन एक वो 1-1.5 महीने से क्या है तो गर्दन से लेके पूरा वो पीठ कमर फिर ये पैरों तक के नसा पूरे वो टाइट होके आ रहे थे उसकी वजह से वो बैठने उठने में भी तकलीफ बहुत हो रही थी उसलिए ये हिसाब से फिर आपके पास आया था आप जो वो फिजियोथेरेपी के टाइप में जो वो एक्सरसाइज के टाइप में जो आप कर रहे थे वो करते ही एक वो 15-20 मिनट में तकरीबन एक वो 50-60% रिलीफ होगा तकरीबन एक वो 1 वीक हो गया जब प्रॉब्लम कब से था आपको महीना हो गया 1 महीने से 1.5 महीने तक प्रॉब्लम था पूरे अब 1 वीक वो 1 वीक जो वो 1 वीक में क्या है तकरीबन एक 75% रिलीफ हो बैक पेन होके कमर के रगा दब गए थे और बॉडी में बहुत वीकनेस आ गया था बहुत कमजोरी हो गई थी नसों में बहुत कमजोरी हो गई थी ये भी ऐसा कमर झुक भी नहीं सकते थे बहुत नहीं बहुत सीवियर तकलीफ थी झुक नहीं सकते थे ना हाँ सर झुकने भी नहीं आता था उतनी बहुत बहुत तकलीफ होती थी पीठ से माशाल्लाह मैं फिर इनको अल्हम्दुलिल्लाह अशरफ में कंफर्म करे सर्वाइकल से लेके कमर पूरा एक सब रगों की वीकनेस थी पूरी बॉडी के अंदर तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रीटमेंट किया वीक में लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह 70% फर्क आया लास्ट वीक में अल्हम्दुलिल्लाह वो कमजोरी खत्म होगी कमर का दर्द कम हुआ सर्वाइकल पेन खत्म हो गया पैरों में बॉडी की जो वीकनेस थी अल्हम्दुलिल्लाह 70% खत्म होगी बराबर ना जी सर सही बात यही बोलना चाहता हूँ हाँ सही है सर अल्हम्दुलिल्लाह सर जब को बहुत फर्क है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं लोगों को भी यही है कि वो जिसको जिसको तकलीफ है वो लोग यहाँ पे आके इलाज कर लेके बहुत अच्छे से अच्छा है माशाल्लाह लास्ट वीक हमारा कैंप यहाँ रनिंग हो चुका है जैसा कि आप लोग जानते हैं आप लोगों ने न्यूज़ के जरिए एडवर्टाइजमेंट के जरिए हम लोगों को देखा तो हमारा एक्यूपंक्चर कैंप रनिंग हो चुका है रनिंग में लास्ट टाइम से अपडेट एक अपडेट ये देना था कि जो भी पेशेंट यहाँ पर आ रहे हैं वो आते खुद कंपलसरी अपने रिपोर्ट्स ले लेके आई है क्योंकि लिए वो बहुत जरूरी है लास्ट टाइम मिस हुए थे बहुत सारे लोगों को समझा फिर अब ये भी क्यों ले लेके आए मगर फिर और एक बार हम ये मैसेज दे रहे हैं कि लास्ट आप जो भी पेशेंट आ रहे हैं आपको हार्ट का प्रॉब्लम दो लंग्स का प्रॉब्लम दो लीवर का प्रॉब्लम दो या किडनी से रिलेटेड कितना बड़ा प्रॉब्लम दो या न्यूरो रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट दिखाना चाह रहे हैं वो पूरे सारे रिपोर्ट्स आप ले लेके आइए ताकि हमको चेक करने में आसानी हो बहुत सारे पेशेंट ने डायग्नोस करने के लिए टाइम लग जाता रिपोर्ट साथ में ले लेके आए तो टीम ऑब्जर्व कर लेती है और यहाँ का टाइम बच जाता इंशाल्लाह आप लोग कोशिश कीजिए अपने पूरे रिपोर्ट्स ले लेके आने की कोशिश कीजिए गुलबर्गा में मैं वीक में एक दिन आ रहा हूँ 4 शंबे को यहाँ पर अवेलेबल रह रहा हूँ माशाल्लाह जितने भी लोग कॉन्टैक्ट करना है अशरफ भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन नंबर दिया गया है सेकंड नंबर पे अशरफ भाई का नंबर है खास कर अशरफ भाई से कॉन्टैक्ट कीजिए सारी तफसील लेंगे आपको क्या क्या जरूरत है वो भी आपको बोलेंगे और बिफोर अपॉइंटमेंट ले लीजिए अपॉइंटमेंट लेने से आपको बहुत आसानी होगी आज पूरे लोगों को आपके पर बहुत आसानी होगी अपॉइंटमेंट लेने से माशाल्लाह अशरफ भाई आपका यहाँ का एड्रेस बोल लीजिए अपोजिट सभा फंक्शन हॉल एक रोड जा रहा सीधा सागर बेकरी से थोड़ा सा आगे आने के बाद लेफ्ट साइड में आपको ये कैंप चल रहा है
यहाँ पे टोकन सिस्टम ले ली बिफोर कॉल करके इन्फॉर्म कर लेके अगर आपके तो आपको आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह यहाँ पर आने के लिए। माशाल्लाह आप अगर मेरा पर्सनली पेज जाके चेक करेंगे जैसा कि अलफुरकान क्लीन निज़ाम बात है उसमें आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब के अंदर, हमारे पास अल्लाह की तरफ से बहुत कम वक्त में फास्ट रिजल्ट है। अल्लाह ताला हमको महारत दिया उस चीज़ की, हज़ारों पेशेंटों का तजुर्बा है इसलिए हम लोग लोगों को हम लोगों से फ़ायदा उठाने का मशवरा दे रहे हैं। लास्ट वीक से भी अगर आप यहाँ पर हम लोगों को देखेंगे तो अल्लाह की तरफ से 70-80% रिजल्ट मौजूद है। अल्लाह की तरफ से जो भी आप पेशेंट मिल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनसे सुन सकते हैं कि कितना फ़र्क पड़ा। तो हम लोगों से गुजारिश करेंगे, हम लोगों को ड्रगलेस सिस्टम है, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो एलोपैथिक सिस्टम इख्तियार कर, हम उसको बुरा नहीं बोलते, मगर अगर वो खा के भी आप जब परेशान हो रहे हैं आप आपको अल्टरनेट रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हम लोगों को एटलीस्ट हमारे पास आइए, हम लोग के पास आजमाइए ताकि आपको बगैर विदाउट कोई ड्रग के आपका ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो अगर अल्लाह आपके लिए खैर का शिफा था आपको यहाँ भी फायदा हो जाएगा इंशाल्लाह। हम तो कोशिश करें लोगों को तो फायदा हो रहा है, देखिए आप लोगों को इस्तेफादा उठाने की कोशिश की। ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट है ये, ट्रीटमेंट एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट है और हम लोग ऐद और हर्ब का भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ नेचुरल रेमेडीज इख्तियार करने लगाते हैं ताकि लोगों को उसमें आसानी हो, मगर बेसिक रूट कॉज हमारा एक्यूपंक्चर है, एक्यूपंक्चर के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। कोई एज लिमिट है या कुछ? कोई एज लिमिट नहीं है, छोटे बच्चों से लेके उम्र सीधा सारे लोग इस्तेफादा उठा सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की तौफीक से न्यूरो के सीवियर केसेस या सीवियर डिसीज ऑर्गन रिलेटेड जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में रिकवर होते हैं उसका फीडबैक आप लोग देख रहे हैं, आपके सामने लाइव देख रहे हैं, फायदा हो सकता है इंशाल्लाह लोगों को।